गुड मॉर्निंग, जय श्री राम सबको। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं सबको पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं वीडियो आज से नहीं बना रहा हूँ, 2013-14 से वीडियोस बना रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई शेर व शायरी या कुछ भी करता हूँ उसको पर्सनल ना लिया करो, मतलब मेरे शेर व शायरी के जो लफ्ज़ों के तीर है वो अपनी ना लिया करो, क्योंकि उससे आप खुद हर्ट होगे और अगले बंदे को भी दोष दोगे। तो इससे अच्छा कि आप वीडियोस ना देखा करो। पुराने घर से जा रहा हूँ नए घर की ओर और पार्किंग पे जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मोटर बाइक नहीं है या कुछ भी, लेकिन मुझे पसंद है कि मतलब जितना अगर फ्री हूँ मैं तो मुझे वॉक करना मतलब बड़ा पसंद है। तो वहाँ पे पहुँचता हूँ, फिर जो है देखता हूँ, लड़के सोए होंगे अभी तक, मुझे लगता है फाइनली पहुँच गया हूँ। तो जैसे बताया था ना कि लड़के सोए होंगे, तो सोए थे अभी तक, जैसा कि बताया था ना सोए हुए थे। तो क्या शूट करना था, नाराज़ हो जाते वरना अंदर का शूट दिखाता आपको। फिलहाल तो मैं निकल रहा हूँ, बड़ी बेस्ट लोकेशन पे हमारा स्टूडियोस बना हुआ है, तो अगर कोई भी यहाँ पे आना चाहे मेरे पास तो आ सकता है एनी टाइम, 24 आवर सर्विस मिलेगी। ये नया रोड है ब्रिज वाला, बस यहीं से एक टर्न है, यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह लग जाएगी। पापा बैठे हुए हैं मेरे, पापा यहाँ पे ना डेली गपशप लगाने के लिए बैठ जाते हैं सब्जी वाले के पास। और ये पड़ गए हम ब्रिज वाले रोड पे, कहाँ पे, रमन के घर के पास। यार करोड़पति बंदा है ये साला, करोड़पति क्या अरबपति बंदा है, इतनी लैंड है इसकी नए रोड पे। देखो कैसे आ रहा होगा फैमिली के साथ। और आज का हमारा यही ब्लॉग रहने वाला है कि हम जा रहे हैं सारे के सारे कठुआ। इसको जानते हो जी, मिहू रानी हमारी, मिहू मिहू हाय कर दो, हाय यू हाय कर दो सबको, हाय वजन हाय। मेरा फोन जिंदगी चुकया पे, क्यों कपड़ा वाला जिसला भी फोन करता तो बस हम यहाँ से निकल रहे हैं। जगह जगह चेकिंग हो रही है क्योंकि इलेक्शन का दौरा है ना, यहाँ से फिर निकल के फिर हम सीधा कठुआ में शूट करेंगे अपना, सीधा कठुआ इलेक्शन करवाऊँ थोड़ी सी। ये हमारे बड़े भैया है, इनका नाम गुलशन मेहरा है और आने वाले ऐसा ही है। अपनी बारी देखो, अपनी बारी देखो, मुझे बोलते हैं कि पंकज पता नहीं करोड़ों का मालिक है ये, मुझे तो अच्छा लग रहा है, अच्छा व्यू लग रहा है, जैसे सीडो ट्रॉफी खोली है, ब्रो ट्रॉफी खोली है। और ऑल प्लेयर्स का मन को जानते हो। और ये हमारी मेहू रानी, मेहू हाय कर दो सबको, हाय बाय कर दो, अच्छा बाय कर दो सबको, बाय हाय चुवा। अभी हम पंजाब की चौकी, तो फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं जुगियाल में, यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है रमन की गुड़िया के लिए, तो वो जा रहे हैं। यहाँ पे इसके बड़े भाई ने देखी हुई है शॉप, शॉप का नाम है फैशन शू शॉप, तो वहीं पे रोकना था, अभी पहुँच गए। तो अभी हम पहुँचे हैं माधोपुर में कुलचा ब्रेक, रमन इस कुलचे वाले का बड़ा फैन है। रमन सच बताना कितना फैन है? हाँ सही बात है, रमन के पापा ने आर्मी की रिटायरमेंट के बाद मतलब कुलचे का बड़ा वो करा हुआ है, बिजनेस करा हुआ है और नाम भी मतलब अच्छा खासा नाम कमाया था इसने, पता नहीं क्यों नहीं बिजनेस रन करा। ये देखो मीहू हमारी, मीहू बाय कर दे सबको, बाय। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं कुलचा फुलचा खा के, कुलचा फुलचा कुलचा खा के निकल रहे हैं यार।
पहुंच गए हैं लखनपुर में। अभी भाई का कार्ड चलाएंगे फास्टैग की जगह, देखते हैं चलता भी है या नहीं। दो दो भाई पुलिस वाले बैठे हुए हैं साथ में, देखते हैं इनकी कितनी चलती है टोल पे। ये लखनपुर का टोल है। चला दिया भाई कार्ड, अभी देखते हैं कि पैसे कटने नहीं चाहिए कौन से, वरना तो कार्ड चल गया था भाई का। दो दो पुलिस वाले साथ में बैठे हुए हैं, इतना तो प्रॉफिट होना चाहिए था। टाइम दी यार, टाइम दी कटौती है भाई। फाइनली हम कठुआ में पहुंच गए हैं और हमें निकलना है चढ़वाल के लिए। रमन मतलब भाभी के यहाँ बहन है, इसी पैलेस का आए उस चार में तैयार होगी। जब तक रमन मेरा गया है अपने ससुराल में, उसको तो मिल जाएगा अच्छा सा खाने वाने के लिए, तब तक हम अपनी आइसक्रीम का कप ट्राई कर रहे हैं सारे भाई। ये रमन का भांजा, कल मतलब इसने, हम क्रिकेट खेल रहे थे ना घर में, कसम से बोलो बड़ा मज़ा लिया इसके साथ। मैंने सोचा कि अगर आज रहता ये या कल तो पक्का इसके साथ क्रिकेट वाली वीडियो भी बनाते, ब्लॉग बनाते वहाँ पर। चलो नेक्स्ट टाइम आएगा तो नेक्स्ट टाइम 1 ईयर के पास आएगा, उनके बाद देखेंगे वीडियो बनाएंगे। 1 ईयर के पास नहीं आएगा, 24 25 आएगा। चलो तो ही ना फिर तो मुझे लगता है इसकी शादी भी हो गई होगी उस टाइम। तो अभी हम खा मगर रमन के आने से पहले हमने आइसक्रीम खा ली, क्योंकि हमने भी इसलिए खाई क्योंकि गया हुआ कब से अभी तक आया नहीं ससुराल में गया। लौंडे ने एक बार भी नहीं बोला हमें कि चलो पानी पी लो, पानी तक पी लो। काफी वेट करने के बाद अभी उसकी कॉल आई थी कि आ जाओ क्योंकि खाने पीने में लग गया होगा लौंडा मुझे लग रहा है, तो अभी जाते हैं। अभी हम पहुंचे हैं रमन की बहन के घर और यहाँ पे चाय वगैरह पी ली, अभी यहाँ खाना पीना खा के फिर निकलना है वापस। कहता है लोग गाइस हम आ चुके, बस इतने बोला जाता है। अभी इसको हैबिट नहीं है ना, जैसे इसको हैबिट बढ़ेगी कैमरा फेस करने की, तो मुझे लगता है कि ये हमसे भी ज़्यादा फाइटर हो जाएगा, क्योंकि आने वाला यूथ है ये कौन सा किसी से कम है। 96% नंबर लिया है बंदे ने अभी। तो कौन से स्कूल में पढ़ते थे? ब्रैटिंग टाहस कुंबड़ी। देख लो हमारे मतलब 96 में मैं और मेरे 3 फ्रेंड ऐसे पास हो जाते थे, मतलब 33% तो लेते थे हम पास होने के लिए पढ़ते थे पहले हम। अभी खाना पीना खा के फिर यहाँ से निकल रहे हैं, फिलहाल तो मैच देख रहे हैं। मेरा साथ इंटरेस्टेड है मैच में भाई। और भी मिला है देखा, ये देखो भाई को अवार्ड मिला हुआ है, 96% नंबर आए हैं ना स्कूल वाले ना, अवार्ड भी हुआ है। बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है दीदी ब्लॉग वाले। आज कौन कर ये कराए रूम में आए पूरे का अच्छी जगह होंगे सारी जगह कई जगह सारी दुकान। चढ़वाल से सीधा निकल के पहुंचे हैं फतेहपुर रमन की दूसरी सिस्टर के घर। फिर अभी टाइम हो गया है 5:30 का, घर पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है 7-8 बज जाने हैं रात के, तो देखेंगे फिर। फिलहाल वेट कर रहा हूँ यहाँ से निकलते फिर बनाते हैं ब्लॉग अपना शूट करते हैं साथ साथ में। तनाव भरा यार गर्मी की वजह से ना, पता नहीं क्यों ऐसे जल्दी से टाइड फील हो जाता है सारा कुछ। तो फिर आप बताना कि हमारी इंजॉयमेंट कैसे रही, इंजॉयमेंट क्या
रमन पीछे उतर गया था पहली बहन के घर में, तो फिर हम अकेले गए थे, मैं और उनके बड़े भाई गए थे दूसरी बहन के घर में। अभी वापस घर पहुंच के ब्लॉग का करना दी एंड, तो नेक्स्ट ब्लॉग फिर शुरू करेंगे परसों। फाइनली अब हम जा रहे हैं घर में। ਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਵੇਂ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਫਟਸ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰ ਨਾ 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 ਉਹ ਦੂੜਾ।